वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज सिस्टम में और मैं योगेश कुमार गुप्ता आज आपको बताने वाला हूँ घर बैठे बीएड करने का बहुत ही शानदार मौका आपके पास है। और ये जो मौका दे रही है आपको पंजाब यूनिवर्सिटी, जो कि एक ODL प्रोग्राम, ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम जो है उन्होंने स्टार्ट किया है, और इस कोर्स में आपको घर बैठे आप बीएड कर सकते हो। क्योंकि ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स है वो ये आती है कि ज़्यादातर जो है टीचर्स स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं तो वो ओपन बीएड कर नहीं पाते, रेगुलर जाने का मौका उनके पास होता नहीं है, रेगुलर की फ़ीस वगैरह भी ज़्यादा होती है। तो घर बैठे आपको बीएड करने का मौका है जिसमें केवल आपको ऑनलाइन स्टडी करके आपको एक मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी, जो कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर एक मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है जिसकी NIRF रैंकिंग है, NAC ग्रेडिंग है, QS रैंकिंग है और द रैंकिंग दी हुई है। तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो इलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो ज़्यादा बड़ा वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा, तो मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप देखो बीएड करेस्पोंडेंस एडमिशन 2024 जो है वो स्टार्ट हो गए हैं आपके, और फॉर्मली एडमिशन है, इसकी जो गाइडलाइंस है वो मैं डिस्कस कर लेते हैं। जो डेट है वो एक बार आप ध्यान से देख लें। सबसे पहले 16 तारीख को ये स्टार्ट हुआ है, 5 नवंबर को लास्ट डेट है, और 6 तारीख को इसकी मेरिट लिस्ट निकलेगी जिसमें कोई एग्जाम भी आपका नहीं लगेगा। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग 7 से लेकर 8 तक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो तरीका है वो यहाँ पर आपको एक फॉर्म भर के आपको मिल जाएगा जिसमें आपको डिटेल वगैरह आपको फिल करनी है, लॉगिन करना है आपको अपनी डिटेल, जिसमें आपको आगे की पूरी जानकारी है जो यहाँ से मिल जाएगी। अब बात करेंगे इन्फॉर्मेशन की, एक होगा किस तरीके से, तो आपके मन में जो भी डाउट है वो इस वीडियो में आपको पूरे मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी कर लें। तो देखिए आप बीएड करेस्पोंडेंस से घर बैठे कैसे हो सकती है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स जो है वो केवल 800 है, 2 साल का है, 4 सेमेस्टर इसमें होने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 1000 रुपये है, SC ST के लिए केवल 500 रुपये है। काउंसलिंग फीस जो है वो 500 रुपये है। वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है। मान्यता का कोई भी मैटर आपको नहीं सताएगा क्योंकि मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है, सरकारी यूनिवर्सिटी है। और क्या क्या जो रूल्स है वो एक आप यहाँ पे देख सकते हो। आपके ग्रेजुएशन में 55% होनी चाहिए, अगर SC ST है तो 50% पे आपका काम हो जाएगा, 4 सेमेस्टर में आपका होने वाला है, 5% तक का यहाँ पे डिस्काउंट वगैरह आपको मिल जाएगा। और उसके बाद की जो बेसिक चीजें हैं, 800 सीट जो है वो यहाँ पर आपको दी गई है। कोई भी सब्जेक्ट आपका ग्रीष्म में रखा हो, BBA किया हो, BCA किया हो तो आपका हो सकता है। आपका 10th लेवल पे आपका एक जो सब्जेक्ट है वो संस्कृत हिंदी पंजाबी होना चाहिए। और सीटें किस तरह से डिवाइडेशन है वो भी लगभग आप देख सकते हो, हर कैटेगरी की अलग अलग सीटें यहाँ पे दी हुई है। टोटल मिला के 800 सीट्स जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। BCom करने वाले, BBA करने वाले जो है वो आपके कॉमर्स स्ट्रीम में काउंट होंगे, जैसा कि यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि BCom और BBA वाले भी कर सकते हैं लेकिन उन्हें कॉमर्स कैटेगरी में माना जाएगा। BTech करने वाले भी कर सकते हैं लेकिन उनके पास मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट जो है वो उनका होना चाहिए। करेस्पोंडेंस से करने का इससे बेटर मौका जो है कभी होना मतलब नहीं मिलने वाला है। सब्जेक्ट यहाँ पर पूरे दिए हुए हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट BA LLB वगैरह करने वाले, मतलब लगभग आप देखो तो हर विषय से आपके पास अगर मौका है करने का, अगर आपने MA कर रखा है और आपने BA कर रखा है तो आपको ये मौका आपको मिलने वाला है। अब आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, वो एक सामान्य प्रक्रिया है जो कि इंटरनेट जानता है, वो खुद आप ये करके देख सकते हो। इसके बाद में आपको जो फीस है वो आपको यहाँ पे जमा करानी पड़ेगी। इससे पहले ABC ID जो बनाना है, ये एक सामान्य प्रक्रिया है जो बहुत आसान है। ABC ID और DBIB बनाना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। फिर उसके बाद आपको जो अपना अटेस्टेड आधार कार्ड कॉपी जो है वो काउंसलिंग के समय पर आपको लेके जाने हैं, अपनी मार्कशीट वगैरह लेके जानी है, आपको अपना डिप्लोमा जो भी आपका टीचिंग सर्टिफिकेट, और आपको एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने का एक सर्टिफिकेशन जो है वो एक स्कूल से आपको लेना है, जो भी फॉर्मेट में मैं आगे बताने वाला हूँ कि किसी भी एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का प्राइमरी लेवल तक का आपके पास होना चाहिए जो कि आपने काम किया हो। फीस जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, 26,121 रुपये पर सेमेस्टर यहाँ पर फीस है, और क्योंकि वैसे भी 1,00,000 रुपये के लगभग ये बैठ जाता है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस 1,050 रुपये, एलिजिबिलिटी 75, माइग्रेशन 1,050, स्पेशल फीस 275 रुपये जो टोटल यहाँ पे ली जाएगी। छात्र जो भी स्कॉलरशिप वगैरह का जो प्रोग्राम है वो आप अपनी फैमिली इनकम अगर 2,50,000 से कम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स है जो काउंसलिंग के समय पर आपको लगाना है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। फीस जो है 5,635 रुपये जो है वो यहाँ पे काउंसलिंग के लाइब्रेरी वगैरह की जो फीस है वो है। घर बैठे आपका ये मिलने वाला है, और जिसमें आपको
कोई भी अदर जो चार्जेस हैं वो इसमें कोई हिडन चार्जेस इसमें नहीं बताए हुए, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर स्टडी मटेरियल जो है वो केवल आपका इंग्लिश मीडियम में ही होगा, और अधिक जानकारी आपको जो अटेंडेंस है, जब भी आपकी जब क्लासेज लगेंगी, पीसीपी जो है जिसमें पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम है, जो कि आपके कुछ दिनों का जो होता है, आपके साथ 10 दिन का 15 दिन का जो होता है, वो आपको लेना रहेगा बस केवल। इसके अलावा सेमेस्टर वाइज में आपके जो नेमो कॉलेज है, इनमें से जो भी आपके नियरेस्ट पड़ता है, जैसे चंडीगढ़, अबोहर, लुधियाना, फिरोजपुर, दासिया, बदाल और होशियारपुर, उनमें से एक जगह आप ले सकते हैं जहाँ पे आपकी क्लासेस लग जाएगी। ये आपका एक एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट जो है वो आपको यहाँ पर बनाना है, जो आपको अपने स्कूल के हेडमास्टर या प्रिंसिपल से आपको सिग्नेचर करवाने हैं। तो डेट का याद रखें, फीस आपको बता दी गई है। तो दोस्तों, ऐसा मौका दोबारा जो है वो आपको नहीं मिलने वाला है, तो जल्दी से बीएड के करेस्पोंडेंस प्रोग्राम में आप एडमिशन ले सकते हैं। वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, सब चैनल को लाइक नहीं किया, तो जल्दी से कर दीजिए। ओके दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके दोस्तों, थैंक यू।